gone, as it said it please. किस तरह की फिल्म लेकर आ रहे हैं संजय दत्त, कौन से कलाकार नजर आएंगे इस फिल्म में। हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त वैसे तो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ को लेकर। और KGF 2 के अधीरा बनकर उन्होंने तो सबको दीवाना ही बना दिया, जिसके लुक को देखकर ही लोग घबरा गए। और खुशखबरी ये है कि हमारा ये खलनायक बन चुका है प्रोड्यूसर और लेकर आ रहा है एक हॉरर कॉमेडी फिल्म, जिस फिल्म का नाम है द वर्जिन ट्री। इस फिल्म को संजय दत्त के 3D मोशन पिक्चर्स के साथ साथ दीपक मुक्त के सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट के तहत प्रोड्यूस किया जा रहा है। इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे सिद्धांत सचदेव, जिनकी आपने गहराइयां वेब सीरीज देखी होगी। आपको बताते चले दोस्तों कि वैसे इंडियन फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस फिल्म की एक छोटी सी क्लिप शेयर की है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक बोर्ड पर हमें लिखा हुआ दिखाई देता है कि चाहे जिंदगी हो या मौत, जीतेगी मोहब्बत। और फिर एक डरावना म्यूजिक सुनाई देता है, चीखने की आवाज सुनाई देती है जैसे कोई हॉरर सीरीज में सुनाई देती हो। और हमें इस पूरी क्लिप में एक कॉलेज दिखाई दे रहा है, मतलब ये कोई स्टूडेंट की कहानी हो सकती है। प्रोड्यूसर बनने के साथ साथ संजय इस फिल्म में एक इंटरेस्टिंग किरदार निभाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं बल्कि उनके साथ हमें पलक तिवारी, मौनी रॉय और सनी सिंह जैसे दमदार कलाकार देखने को मिलेंगे। संजय ने अपनी इस फिल्म को लेकर कहा है कि 40 साल के मेरे करियर में मैंने बहुत सारे किरदार निभाए, पर अभी प्रोड्यूसर बनके मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ, कैमरा के उस पार रहकर आराम से प्रोड्यूसर की कुर्सी पर बैठकर सारा काम धाम देखना चाहता हूँ। साथ ही संजय का ये भी कहना है दोस्तों कि साउथ और हॉलीवुड इंडस्ट्री में वैरायटी ज्यादा है, पर अभी कुछ दिनों से बॉलीवुड इंडस्ट्री को क्या हुआ है पता नहीं, अलग अलग जॉनर पर काम नहीं हो रहा है, जो कि होना जरूरी है, इसीलिए हम एक कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे संजय दत्त आपके प्रोड्यूसर बनने पर आपके फैंस भी उतने ही एक्साइटेड हैं, क्योंकि संजू बाबा का हर एक अंदाज उन्हें इम्प्रेस करता है। आपको बता दें कि संजय दत्त के प्रोडक्शन के तहत बनने वाली ये फिल्म है। इसके साथ साथ संजय दत्त को OTT प्लेटफॉर्म के बारे में भी पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि OTT को लेकर अभी उन्होंने कुछ फैसला नहीं किया है, पर OTT पर रिलीज करने से इंडस्ट्री को काफी अच्छा फायदा हो रहा है, ऐसा उनका कहना है। तो इस फिल्म को रिलीज करने के बाद OTT पर रिलीज किया जाएगा या फिर नहीं, ये तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। दोस्तों, देखते हैं ये संजू बाबा की फिल्म ऑडियंस को कितनी पसंद आती है और कितना डराती है, और ये उनका पहला अटेम्प्ट कितना सक्सेसफुल होता है। आप बताइए कि आपकी क्या राय है, और साथ ही जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।